नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि जय हिंद। दोस्तों एक नया खतरा भारत के सामने फिर से आ गया है, वो है म्यांमार। जी हाँ, म्यांमार के रास्ते अब चाइना घुसने की कोशिश कर रहा है और इस बारे में खुद सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने अलर्ट रहने को कहा है, यानी कि सतर्क रहने को कहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए हमें म्यांमार पर बारीकी से नजर रखने की जरूरत है। जनरल रावत ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में अवसर और चुनौतियां दोनों ही, क्योंकि म्यांमार में आपको मालूम ही है कि फरवरी में सैन्य तख्तापलट हो गया था, उसके बाद उस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध लगा दिए गए और इसके बाद चाइना ने यहां पर मौका पाया और यहां घुसने की कोशिश कर दी। आपको बता दें कि यहां पर चाइना काफी मजबूती से अपनी पैठ मजबूत कर रहा है, जिसके पीछे का कारण आप सब जानते हैं, वो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। हालांकि वहां की जो प्रधानमंत्री थी आंग सू, उसने पहले ही मना कर दिया था कि भाई हम बीआरआई प्रोजेक्ट में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन फिर भी चाइना ने वहां पर अपना एक पोर्ट बना डाला। लेकिन जब म्यांमार को पता चला कि चाइना की हरकतें यहां से बढ़ सकती हैं, तो इसीलिए उसने बीआरआई प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी। लेकिन ये जो सैन्य तख्तापलट हुआ है, उसके पीछे चाइना का भी एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। दोस्तों, आखिर भारत के लिए म्यांमार इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके पीछे की वजह है कलादान प्रोजेक्ट। कलादान प्रोजेक्ट क्या है, पहले हम इस रिपोर्ट में जान लेते हैं। एक लंबे अरसे से भारत के सामने जो सबसे बड़ी परेशानी खड़ी हो रही है, उनमें से एक है किसी भी तरह नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को पूरे देश के साथ जोड़ना। लेकिन ये बोलने में जितना आसान लग रहा है, ये काम उतना ही मील का पत्थर भी रहा है। दरअसल भारत के अन्य राज्यों को उत्तर पूर्व के राज्यों से जोड़ने के लिए जमीन का जो रास्ता है, वो पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होकर गुजरता है। 22 किलोमीटर के इस कॉरिडोर के साथ कुछ ज्यादा बदलाव नहीं किए जा सकते। ऊपर से इस कॉरिडोर पर बढ़ते दबाव ने भी परेशानी बढ़ानी शुरू कर दी है। हालांकि इन सभी परिस्थितियों के बीच एक नई उम्मीद की किरण जो बन रही है, वो है भारत और म्यांमार के बॉर्डर पर बन रहा कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिटी ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। ये एक ऐसा यातायात रूट है जो कि समंदर, नदी और जमीन के रास्ते कोलकाता से म्यांमार के सितवे बंदरगाह से, कलादान नदी से और फिर सड़क मार्ग से भारत के मिजोरम को जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट के बन जाने के बाद भारत के उत्तर पूर्व राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए एक और वैकल्पिक रास्ता मिल जाएगा। ये प्रोजेक्ट कुल मिलाकर कोलकाता से सितवे पोर्ट तक है, जिसकी दूरी करीबन 539 किलोमीटर है, जिसके बाद सितवे से म्यांमार के प्लेटवा तक कलादान नदी के जरिए 158 किलोमीटर की दूरी तय होगी और उसके बाद 129 किलोमीटर सड़क मार्ग से होते हुए ये प्रोजेक्ट भारत के मिजोरम में जोरनपुई तक पहुंचेगा। जोरनपुई से भारत में 88 किलोमीटर की सड़क जो कि लॉन्ग तलाई पर खत्म होगा। कुल मिलाकर 900 किलोमीटर का ये पूरा प्रोजेक्ट म्यांमार से होते हुए भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों को न सिर्फ भारत के बाकी राज्यों से जोड़ेगा, बल्कि इस रूट से दुनिया के बाकी देशों तक भी व्यापार को भारत पहुंचाएगा। ये प्रोजेक्ट कई लिहाज से महत्वपूर्ण है, जिसमें व्यापारिक और सामरिक महत्व सबसे ज्यादा है। दरअसल भारत के अन्य शहरों को उत्तर पूर्व राज्यों से जोड़ने के लिए जमीन का जो रास्ता है, वो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होकर गुजरता है और इस कॉरिडोर पर हमेशा चीन की नजर रहती है। और अगर भविष्य में ये रूट बाधित होता है, तो इससे भारत का नॉर्थ ईस्ट से कनेक्शन कट जाएगा। 2017 में डोकलाम में चीन की हरकत ने उसकी मंशा को और साफ कर दिया था, क्योंकि उसकी नजर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर है। इसी वजह से उसने सिक्किम में भारत, भूटान और चीन के बीच बनी चुंबी वैली को अपने कब्जे में लेने की कोशिश भी की थी। कलादान प्रोजेक्ट के जरिए भारत अपने सामरिक महत्व को बढ़ा रहा है। उसका उदाहरण इस पूरे रूट पर बन रहे कुल 33 पुल है, जिनमें से 8 भारत में बन रहे हैं और 25 म्यांमार में बन रहे हैं। ये सभी पुल क्लास 70 के हैं, यानी कि इन पुलों से भारतीय सेना के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और अन्य भारी साजो सामान आसानी से पहुंचाए जा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने के बाद मिजोरम तक पहुंचने के लिए 1000 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। लेकिन इन सभी बातों से अलग इस प्रोजेक्ट का एक और महत्व है, वो है इस प्रोजेक्ट का डिप्लोमेटिक महत्व। दरअसल चीन लंबे समय से म्यांमार में अपने पैर मजबूत कर रहा है, इसके लिए उसकी विस्तारवादी सोच भी रही है। चीन चाहता है कि म्यांमार के रास्ते वो हिंद महासागर तक पहुंच जाए, इसके जरिए वो म्यांमार में बंदरगाह को भी डेवलप कर रहा है। साल 2020 की शुरुआत में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने म्यांमार का दौरा किया था। इस दौरे का मकसद सिर्फ ये था कि वन बेल्ट प्रोजेक्ट के लिए म्यांमार के साथ रिश्तों को और बढ़ाया जा सके। चीन ने 2013 में अपने बीआरआई प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले ही म्यांमार को अपने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के साथ जोड़ना शुरू कर दिया था। साल 2010 में ही चीन म्यांमार सीमा के पास कई इकोनॉमिक जोन की डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका था। चीन तो म्यांमार में तेल और गैस की पाइपलाइनों का जाल बिछाना चाहता है, ताकि समुद्र में दूसरे देशों से तकरार के बाद भी उसके एनर्जी ट्रेड को कोई नुकसान न पहुंचे। 2019 से 2030 के बीच चीन म्यांमार में आर्थिक सहयोग के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर,
एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, ह्यूमन रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम के क्षेत्र को बढ़ावा देना है। चीन के यूनान शहर से म्यांमार के दो बड़े इकोनॉमिक सेंटर तक 1700 किलोमीटर का लंबा प्रोजेक्ट बनाया जाना है और चीन को लगता है कि अगर भारत के साथ म्यांमार का आर्थिक और सामरिक सहयोग बढ़ा तो उसके लिए दिक्कतें बढ़ सकती है। यही वजह है कि ये प्रोजेक्ट सच में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए न सिर्फ गेटवे है बल्कि चीन जैसे देश पर लगाम लगाने के लिए भी जरूरी है। तो दोस्तों, आपने जाना कि नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए ये जो नया गेटवे है यानी कि कलादान प्रोजेक्ट कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए, साथ ही इसका महत्व भारत के लिए कितना ज्यादा है। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो भारत को स्ट्रैटेजिक रूप से बहुत बड़ी बढ़त देगा अपने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से जुड़ने में, और ये भारत का एक ऑप्शनल रास्ता भी है। अगर चिकन नेक को कल को चाइना प्रभावित करता है तो ऐसे में भारत के पास दूसरा ऑप्शन है कि वहां से अपनी सेना गतिविधियां यानी कि अपनी आर्मी को डिप्लॉय कर सकता है चाइना के खिलाफ। यही नहीं दोस्तों, सबसे बड़ी चिंता एक और यहां पर यह है कि रोहिंग्या जो शरणार्थी है वो भारत में यहां से कई बार घुसे हैं और भारत में अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं, और यहां पर कई तरीके के जो आतंकी गुट हैं वो मजबूत हो चुके हैं जिनमें कि अकरान आर्मी का नाम लिया जाता है। ये भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में हंगामा मचाते हैं और ये भारत के प्रोजेक्ट को प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, और इसके लिए भारत ने 2019 में भी एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी जिसमें कि भारतीय सेना और म्यांमार की सेना ने मिलकर इन आतंकियों को तबाह किया था। हालांकि आपको बता दें कि पूर्वोत्तर में अभी भी आंतरिक सुरक्षा संबंधी चुनौतियां काफी गंभीर हैं और इसीलिए यहां पर केंद्र सरकार काफी सतर्क है और साथ ही राज्य सुरक्षा बल भी अलर्ट पर रहता है। भारत ने अभी हाल ही के वर्षों में पूर्वोत्तर के क्षेत्र में निरंतर आतंकवाद विरोधी अभियानों को चलाया। पड़ोसी देश जैसे कि भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार में इन आतंकी गुटों की संख्या में कमी हुई है, और ऐसे में भारत ने अपना फोकस म्यांमार की तरफ भी कर दिया है क्योंकि गंभीर चुनौती है और ये आतंकी हमला करके और हथियार सप्लाई करके अपने देश में चले जाते हैं तो ऐसे में इन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में भारत ने भी म्यांमार की सरकार के साथ पूरी तरीके से अपने डिप्लोमेटिक संबंधों को स्थापित किया है, लेकिन जब से सैन्य सत्ता वहां पर आई है तब से ये संबंध थोड़े कमजोर पड़ गए हैं। लेकिन भारत अपने कलादान प्रोजेक्ट को प्रभावित नहीं होने देगा और इसके लिए जो बनेगा वो भारत करेगा। आपको बता दें कि इन आतंकी संगठनों को जो वहां पर इस वक्त पूर्वोत्तर भारत में एक्टिव है, इनके पास चाइनीज हथियार अधिक मात्रा में देखे जाते हैं, और ये कहां से आते हैं, कैसे आते हैं, इसके बारे में आप सब ऑलरेडी जानते ही हैं। तो दोस्तों, ये है पूरा का पूरा सिनेरियो कि इसी वजह से फोकस पर लिया गया है म्यांमार को, क्योंकि खुफिया जानकारी मिली है कि यहां पर चाइना की एक्टिविटी काफी तेज हो गई है। आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल सब्सक्राइब करना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।